गुजरात के अहमदाबाद में फोक म्यूजिक कार्यक्रम के दौरान स्टेज टूटकर गिर पड़ा। कार्यक्रम के समय जाने माने कलाकार कीर्ति तादन गढ़वी का शो चल रहा था। शो के दौरान ही बड़ी संख्या में लोग स्टेज पर चढ़ गए, जिससे लोगों की संख्या बढ़ जाने से स्टेज टूट गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उग्र भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 पुलिसकर्मी सहित 13 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली की मांग को लेकर NH-34 को बंद कर दिया था, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बदले में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गुजरात के गांधीनगर जिले में विज्ञापन की शूटिंग कर रही एक टीम साबरमती के बहाव में फंस गई। जब शूटिंग शुरू हुई तो पानी कम था, लेकिन नदी में अचानक बहाव तेज हो जाने से शूटिंग टीम की 6 गाड़ियां देखते ही देखते पानी में डूब गई। शूटिंग टीम ने किसी तरह निकलकर जान बचाई। हरियाणा सरकार ने 1984 सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। गर्ग कमीशन रिपोर्ट के आधार पर गुड़गांव प्रशासन ने सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा राशि का चेक बांटा। गुड़गांव और उसके आसपास के इलाके के करीब 150 लोगों ने मुआवजे के लिए एफिडेविट दाखिल किया था। झारखंड की रांची में एक महिला गुरु नानक अस्पताल की भारी लापरवाही की शिकार हो गई। पीड़ित महिला को मामूली बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल ने महिला का ब्रेन ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद महिला को होश नहीं आया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बरसात ने जमकर कहर बरपाया। 1 महीने पहले बनास नदी पर बना पुल नदी में आए तेज बहाव के कारण टूट गया। पुल टूटने के बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली तो खुद ग्रामीणों ने इस समस्या से निपटने का रास्ता निकाला और पालकी से नदी पार करने की तकनीक निकाली। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने GST बिल पर बहस करने के लिए विधानसभा का खास सत्र बुलाया है, लेकिन विधानसभा के खास सत्र में GST बिल को लेकर हंगामे के आसार हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ BJP की सहयोगी शिवसेना को भी GST बिल के कुछ प्रावधानों पर एतराज है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की सड़कों पर दो गुटों के बीच घुनी संघर्ष हुआ। दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे और पत्थर चले। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 5 लोगों की पहचान कर ली है, जिसमें से 4 युवकों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक फरार युवक की तलाश जारी है। उत्तराखंड के श्रीनगर में पुलिस ने एक बस से 1 क्विंटल गांजे की खेप बरामद की है। ये बस रुद्रप्रयाग से हरिद्वार जा रही थी। तलाशी के दौरान मुख्य आरोपी भागने में कामयाब हुआ, लेकिन पुलिस ने ड्राइवर और उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा का कहर लगातार जारी है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। पिछले दिन नवगछिया जेल में पानी घुसने से जेल कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट कराया गया था। अब जेल के पुलिसकर्मी भी जेल छोड़कर भाग निकल गए हैं।